आज मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का जबलपुर आगमन हुआ, जहां उनके द्वारा लोकसभा क्लस्टर की बैठक को संबोधित किया गया। दरअसल लोकसभा क्लस्टर की यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के रानीताल स्थित संभागीय कार्यालय में आयोजित की गई है, जहाँ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि यह घटना शर्मनाक है। टीएमसी सरकार में महिलाओं का शोषण हो रहा है, जबकि यह महिलाएं केंद्र सरकार की योजनाओं के पात्र हैं, लेकिन टीएमसी सरकार के कारण पात्रों को ना तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही अनाज और पट्टा। उनकी व्यक्तिगत राय है कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को खत्म करने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार ने किसानों के सामने बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन तथाकथित लोगों द्वारा आंदोलन को ही एजेंडा बनाया जा रहा है। मंत्री का मानना है कि किसानों की सरकार के साथ बैठक हो रही है और बैठक में किसान कोई भी फैसला नहीं कर रहा है, बल्कि किसानों का फैसला कोई और ही ले रहा है। इसी तरह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जैसे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कमलनाथ के साथ साथ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं पर भी कई बयान दिए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के संगठन में कार्यालय के अंदर महिलाओं का देह शोषण हो रहा है और ये पूरी की पूरी बात आपने कल देखा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा कारंत भी गई थी, उनसे भी महिलाएं मिली, हमारे लोगों से भी महिलाएं मिली है। उनके पास पट्टे हैं पर ज़मीन नहीं है। उनको प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त करने का अधिकार है, पर वो अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये अनाज की जो भ्रष्टाचारी हो रही है वहाँ पर, उसके सिलसिले में ईडी गई थी वहाँ पर, और ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। और जब हमला होने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाने का प्रयास किया तो वहाँ ये सारे राज खुले हैं। मैं संदेश खली 4-5 बार गया हूँ, मुझे वहाँ के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया था। ये जो शेख का नाम सामने आ रहा है, हमारी ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की, हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपट्टे पे गोली मार के चले गए, कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और पुलिस ने इनको साल भर तक गिरफ्तार नहीं किया, साल भर तक घूमते रहे। फिर मैंने जाके धरना दिया था तब उन्होंने गिरफ्तारी की औपचारिकता की थी। वो उनका लक्ष्य आंदोलन करना, यदि समझौता करके किसानों के हित में कोई निर्णय कराना होता तो बहुत अच्छे प्रस्ताव माननीय अर्जुन जी मुंडा ने, माननीय पीयूष जी ने और माननीय नित्यानंद राय जी ने रखे थे, पर वो प्रस्ताव उन्होंने रात में तो सहमति प्रदान की और बोले हम सुबह बताएंगे, और सुबह उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब है कि जो लोग वहाँ बैठते हैं मीटिंग में वो निर्णय नहीं कर रहे, निर्णय कोई और कर रहा है। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि कमलनाथ जी की हमारी पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए हमने कहा था कि उनके दरवाजे बंद हैं। कमलनाथ जी जैसे बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार नेता, इस बार कैसे धोखा खा गए हमें भी समझ में नहीं आया। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता सब फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा नहीं है, उनके नेता की चमक धमक अब कुछ बची नहीं है, और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है। तो दिग्विजय सिंह जी दया के पात्र हैं और इसलिए मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि उन्होंने ये बोला है। जबलपुर से टीम लोक पंगल।